तो ये आप देख सकते हो हमारी सारी फूड आइटम्स यहाँ पे लग चुकी हैं, और प्रेजेंटेशन देख सकते हो काफी बढ़िया है। तो ये सब टेस्ट करके तो आपको मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे सारी सारी आइटम्स है, देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इनका बटर नान है, साथ में यहाँ पे तंदूरी रोटी है, साथ में लच्छा परांठा है। देख सकते हो कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ये तवे वाली रोटी का ऑप्शन यहाँ पे रहता है घी के साथ, ये ट्राई कर सकते हो। कढ़ाई पनीर आप देख सकते हो, इनकी दाल मखनी देख सकते हो, साथ में ये है जीरा राइस और ये है इनके राजमा। शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर भुर्जी, आलू गोभी, मिक्स वेज, छोले, चना मसाला, कढ़ी पकौड़ा, दाल फ्राई, टिंडे, पिंडे, कद्दू, करेले, लस्सी, खोटी, पापड़ सलाद, रोटी, तवे का, तंदूर का, बटर नान, फ्लैंड नान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, शिवा सोल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कवरेज करने आए हैं शर्मा वैष्णो भोजनालय की, जो पड़ता है शिव मार्केट रेलवे स्टेशन के पास में। तो हम आपके लिए कवर कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के पास अगर आप आते हैं तो कौन सा ऐसा फूड पॉइंट है जहाँ पे आप अच्छा खाना ट्राई कर सकते हो। ये बिल्कुल वेजिटेरियन ढाबा है, तो यहाँ पे आज हम कवरेज करते हैं। अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खाना कैसे लगता है, हाइजीन वगैरह कैसी है, क्या प्राइस रहते हैं, क्या ये वर्थ ट्राइंग है कि नहीं। और आपको एक और चीज बता दें कि पिछले 40 सालों से यहाँ पे ये खाना सर्व कर रहे हैं और काफी ज्यादा फेमस ढाबा है। काफी व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी, तो आज इसी की कवरेज करेंगे आपके लिए। आइए हमारे साथ और कवरेज स्टार्ट करते हैं आज की। तो इस ढाबे की जो लोकेशन है वो भी आपको बता देते हैं। ये देख सकते हो, ये जो हमारे आसपास मार्केट है इसको बोलते हैं शिव मार्केट, और ये पड़ती है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में। तो आइए थोड़ा सा आपको दिखा दें यहाँ का ओवरव्यू, चल के यहाँ पे हमारे साथ आप आओगे। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे ना, सामने ये गेट आएगा इस प्रकार का जो शिव मार्केट के अंदर आता है। वहां से एंट्री लोगे ना, वो सामने ये मार्केट आएगी, शिव मार्केट आप देख सकते हो, वहीं पे आपको ये वैष्णो भोजनालय मिल जाएगा, शर्मा वैष्णो भोजनालय। तो आइए अंदर चलते हैं अब और बाकी आपको बताते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेपरेशन चल रही है रोटी की बढ़िया सी, और ये इनका तंदूर है यहाँ पे जिसमें रोटियां लगाई जा रही हैं काफी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे परांठे के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और ये देख सकते हो यहाँ पे परांठा भी बनाया जा रहा है, तवे के तवे वाली रोटी भी यहाँ पे मिलती है, उसके भी ऑप्शन है। और ये देखिए यहाँ पे तवे वाली रोटी भी आपको मिल जाएगी, ये देखिए काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे बन रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया तरीके से सब्जियां बन रही है, और किचन का सेटअप भी काफी बढ़िया है। और ये देखिए दाल फ्राई बन रही है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से सारी प्रेपरेशन चल रही है, सारी सब्जियां काफी अच्छी बन रही हैं। तो यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे यात्री, टूरिस्ट वगैरह, लोकल भी आते रहते हैं और खाना ट्राई करते रहते हैं। और ये आप देख सकते हो इनका मेन्यू है और यहाँ पे प्राइजेज हैं। तो जो जो आइटम्स यहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हो उनके प्राइजेज भी देख सकते हो, काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा सारी की सारी आइटम्स। और बाकी हम मंगवाते हैं कुछ आइटम्स, टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है यहाँ पे कैसा नहीं। ओनर जी से भी बात करते हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ी जानकारी बताते हैं इस भोजनालय के बारे में। सो नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है। ओके, तो इस ढाबे के बारे में बताइए, कब से चल रहा है यहाँ पे ये? सर कुछ 40 साल से चल रहा है। 40 साल से? उससे पहले मेरे फादर साहब करते थे। ओके, तो उनके बाद अब मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा बेटा होता है साथ में। ठीक है, ठीक है जी। और ये मनी कैटर के नाम से भी चलता है। मनी कैटर के नाम से भी चलता है। तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? टाइमिंग सर सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक रहती है, रात को 11:30 बजे तक आ सकते हैं यहाँ पे। और ये स्टार्टिंग से यही सारी आइटम यहाँ पे होती थी? हाँ, एक दो अमेंडमेंट हुई है, नहीं, कढ़ाई पनीर हो गया, चिली पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, दाल मखनी हो गई, कुछ आइटमें की हैं, कुछ चल रही हैं। राजमा है यहाँ के, राजमा यहाँ के काफी फेमस है अपने जम्मू वाले यहाँ के। और क्या क्या फेमस है यहाँ पे? यहाँ दाल तड़का चलता है, दाल तड़का, बिरयानी चलती है, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी भी यहाँ पे मिलती है, पराठा चलता है, परांठे भी होते हैं सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में सुबह पराठा चलता है, उसमें कॉम्बो चलते हैं, कॉम्बोज भी है यहाँ पे काफी सारे। तो अभी हम भी इनका खाना ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा कैसा नहीं। तो शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ यहाँ के एक कस्टमर जुड़े हैं, एक मैम है जो बाहर से आए थे, उनसे पूछते हैं उन्होंने यहाँ का खाना ट्राई किया कि कैसा कैसा नहीं। मैम अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है दिव्या। आप कहाँ से आए हो? अहमदनगर से। ओके, तो अमरनाथ के लिए जा रहे हो? हाँ। तो यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, टेस्टी था। तो जम्मू में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कैसा लग रहा है यहाँ आके? वेदर अच्छा है, खाना भी अच्छा था, खाना भी अच्छा लगा। तो जो और आएंगे बाहर से उनको क्या कहना चाहते हो, यहाँ ट्राई करना चाहिए, रिकमेंडेड है? तो आपने क्या ट्राई किया था वैसे? अभी मैं दाल तड़का, राइस,
और चपाती, रोटी, पनीर, सब बढ़िया था, टेस्टी था। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हमारे साथ एक और सर जुड़े हैं। सर अपना नाम बताइए आप। शिवाजी खड़ककर। तो क्या ट्राई किया आपने यहाँ पे, क्या खाया? ये दाल तड़का, तंदूर रोटी, तवा रोटी। कैसी लगी? अच्छा लगा। अच्छा, खाना बढ़िया यहाँ पे और इधर का प्लेस भी अच्छा लगा। ओके ओके ओके। दो तीन बार आके गए हम यहाँ। अच्छा, दो तीन बार आने का मन भी करता है इधर। ओके ओके, काफी अच्छा लगा। वैष्णो माता का दो बार दर्शन भी लिया। अच्छा, तो अभी अमरनाथ जा रहे हो? हाँ, अमरनाथ जाने का है। चलो, आपकी यात्रा अच्छी रहे। जैसे यात्रा थोड़ा सा तो हम यही कहेंगे कि आपकी यात्रा अच्छी रहे, आपको अच्छे से दर्शन हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू। तो फाइनली आपको दिखा दें यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी खाने की और हमारी सब्जियां और यहाँ पे खाना जो हमने लगवाया था। आगे ये देख सकते हो दाल मखनी हमारी काफी बढ़िया और गाढ़ी बनी हुई है। यहाँ पे सेकंड आइटम जो यहाँ पे आई है ये है कढ़ाई पनीर और ये भी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो यार, काफी बढ़िया कलर आया हुआ है और मस्त लग रहा है खाने में, काफी डिलीशियस। और थर्ड आइटम हमारे राजमा यहाँ के और वो भी देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे सर्व किए गए हैं, देख के मुंह में पानी आ रहा है, कलर भी काफी बढ़िया है। उसके बाद हमारी यहाँ पे आई है ये तंदूरी रोटी, ये भी देख सकते हो काफी बढ़िया बनी है बटर लगा के। और नेक्स्ट है बटर नान और ये भी आपको दिखा दें अच्छे से यहाँ पे। तो हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है और आप देख सकते हो इनके सारे आइटम्स हम थोड़ी थोड़ी रिव्यू कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी रहे कि क्या ट्राई करना है क्या नहीं। वैसे हमें लगता नहीं है कि कोई भी आइटम ऐसी है जो आप ट्राई नहीं करोगे, सारी देखने में काफी बढ़िया लग रही है और टेस्टी भी लग रही है, टेस्ट करके बताते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ चुका है ये देख सकते हो बटर नान और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो इसकी काफी बढ़िया लग रही है। आप टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। हमारी बाइट आ रही है यहाँ पे तो काफी बढ़िया है, साइज भी आप देख ही सकते हो। तो ट्राई करते हैं इनकी दाल मखनी और देख सकते हो दाल मखनी की प्रेजेंटेशन यहाँ पे काफी गाढ़ी दाल बनी है, ऊपर क्रीम वगैरह भी इन्होंने ऐड की है। तो बाइट आ चुकी है, टेस्ट करके बताते हैं आप लोग। क्या बात है यार, नान में ना इन्होंने अजवाइन वगैरह लगाई है ना, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। दाल ज्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बटरी बटरी टेस्ट आ रहा है हल्का, जैसे घर की दाल होती है ना वैसी ही है, मतलब ज्यादा नहीं लग रही कि ढाबे में बैठ के खा रहे हैं, काफी अच्छी है। और नमक वगैरह भी बिल्कुल लाइट है जैसा होना चाहिए, तो काफी ज्यादा डिलीशियस हमें लगी बटर नान और इस दाल का कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम इनकी है ये जीरा राइस, देख सकते हो काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन है इसकी भी, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे है। और बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है मसाले या कुछ। इसमें इन्होंने डाली हुई है कस्तूरी मेथी, जिससे आ रहा है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बिल्कुल सिंपल और टेस्टी, मतलब एंजॉय करोगे यहाँ पे खाओगे ना, तसल्ली हो जाएगी पूरा। और भी काफी आइटम्स हैं हमारे पास, जैसे कि राजमा, आप जम्मू की शान राजमा नहीं ट्राई किया, जम्मू में आके तो ट्राई किया। तो राजमा देख सकते हो, पहले आपको दिखा देंगे कितने बढ़िया यहाँ पे बनाए गए हैं, कलर भी आप देख सकते हो राजमा का काफी बढ़िया आया हुआ। तो टेस्ट करते हैं उनको और आपको बताते हैं टेस्ट करके कि कैसे हैं। तो अभी हम ट्राई करेंगे इनके लच्छे परांठे के साथ और इसकी भी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो काफी बढ़िया बना हुआ लच्छा परांठा। तो बाइट लेते हैं और काफी अच्छा और सिंपल और टेस्टी खाना है इनका, काफी बढ़िया मजा आ रहा है। तो रेलवे स्टेशन के पास आप अगर अच्छा पॉइंट ढूंढ रहे हो खाने के लिए, यहाँ जरूर आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अभी तक की सारी आइटम बहुत बेहतरीन लगी है हमें, राजमा ट्राई करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। तो बाइट आ चुकी है हमारे राजमा के साथ, काफी अच्छे हैं, वो नहीं है कि पतले से राजमा है, काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन है और पिछले 40 सालों से ऐसे ही मेंटेन करके रखी हुई है, काफी नाम है इसका। क्या बात है यार, मस्त है बिल्कुल राजमा, मजा ही आ गया। ऐसे भी टेस्ट करके बताते हैं थोड़े से बिना लच्छे परांठे के। ज्यादा मसाले नहीं है लेकिन बड़े ज्यादा डिलीशियस हैं, मजा ही आ गया यार राजमा ट्राई कर। अब नेक्स्ट आइटम हमारी यहाँ पे जो आई हुई है ना वो है कढ़ाई पनीर, ये भी देख सकते हो तरी वगैरह कैसे निकली हुई है इसमें, काफी बढ़िया बनाए गए हैं और इनको हम ट्राई करेंगे। अगर आप कोई सिंपल ऑप्शन ढूंढ रहे हो खाने के लिए, जैसे कि आपको तंदूरी रोटी नहीं खानी, तो तवे वाली रोटी का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए घी लगा के कितनी बढ़िया यहाँ पे रोटी आपको सिंपल मिल जाएगी, घर जैसा खाना। अगर आप बाहर भी आए हैं और बिल्कुल घर जैसा सिंपल खाना ट्राई करना चाहते हैं ज्यादा मसालों के बिना लेकिन टेस्टी, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक बाइट लेते हैं हम रोटी की और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है, अभी हमने टाइम लगाया थोड़ा चोट में, ठंडी भी हो गया तब भी सॉफ्ट है, घी वगैरह लगाया और ये हमारा यहाँ पे कढ़ाई पनीर आ गया हुआ। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी ले लेते हैं, पीस ले लिया हुआ हमने, टेस्ट करके बताते हैं। बिल्कुल लाजवाब बना हुआ ये
और ज़्यादा इसमें भी मसाले नहीं है, सिंपल और टेस्टी है। और पनीर बिल्कुल साफ और फ्रेश यूज़ किया गया, मज़ा ही आ गया। और खाने के साथ यहाँ पे आपको सैलड वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे अनियन, मिर्ची, नींबू, ये भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया, तो ये भी आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और इन सब खाने को कम्प्लीट करते हैं हमारे एंड में, वो है हमने ऑर्डर किए यहाँ की लस्सी। तो लस्सी देख सकते हो यार, ये भी बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से यहाँ पे पैक की गई है, ऊपर देख सकते हो कवर वगैरह लगा है जिसमें कुछ भी कीड़े वगैरह ना जाएं, तो काफ़ी अच्छी लगी हमें प्रेजेंटेशन इसकी भी। अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। तो लस्सी भी बहुत बढ़िया बनाई गई है, गाढ़ी है, ज़्यादा पतली नहीं है, और दही वगैरह भी इन्होंने अपना ही यूज़ किया हुआ है, मार्केट वाला दही का टेस्ट नहीं आ रहा इसमें। तो काफ़ी बढ़िया सारी आइटम्स हैं, यहाँ पे आओगे ना जरूर ट्राई करना यहाँ का खाना, और फिर हमें कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जम्मू के ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा सोल ब्लॉग्स को।